जम्मू कश्मीर ए ना जेतेबेले मन भितरकु आसे समस्तंकर सामनारे बरफर पहाड़ एवं सुंदर चित्र सामना को आसी थाए एवं प्रत्येक भारतीयंकर गोटे स्वप्न थाए जे से दिने ना दिने थरे ना थरे जम्मू कश्मीर निश्चय जिबे सेठी बुलिबे सेठी डाल लेक हो बा जो बरफर पहाड़ हो बा सेठाकार सुंदर परिवेश हो ताकू थरे मनभरी उपभोग करिबे तेबे ताकू प्रमोट करिवा पई जम्मू कश्मीर रो पर्यटन को प्रमोट करिवा पई जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग रो वरिष्ठ अधिकारी माने आज एठी ओडिसा रे सांवादिक सम्मेलन करचंती एवं अर्गस द्वारा आयोजित चलो देखे अपना देश जो टूरिज्म कनक्लेव रही अंशग्रहण करसतु सीधा सड़क आलोचना करवा जे जम्मू कश्मीर टूरिज्म रे कौन कौन सब फैसिलिटी रही जदि कौन पर्यटक सेठिक जाशेष भाव में जेहेतु कोविड रो समय ये दुई वर्ष धरिकी समग्र देश को प्रभावित करथला विशेष भाव पर्यटन क्षेत्र को प्रभावित करथला तबे वर्तमान पोस्ट कोविड समय रे कौन कौन सब व्यवस्था करा जाउची विशेष भाव में जम्मू कश्मीर टूरिज्म द्वारा सेने आम आलोचना करवा आम सहित जम्मू कश्मीर टूरिज्म विभाग वरिष्ठ अधिकारी माने अछंती श्रीयुक्त विवेक पुरी अछंती पहले तो आपको अर्गस न्यूज में स्वागत करना चाहूँगा सर पहला सवाल तो आपसे रहेगा कि जम्मू कश्मीर में जाने का सपना हर एक भारतीय का होता है कि वहाँ पे हम जाएँ कुछ देखें ये जो वो वहाँ का परिवेश है वो देश के किसी अलग जगह में देखने को नहीं मिलता है तो आप अभी ये टूरिज्म कॉन्क्लेव में मतलब पार्टिसिपेट करना और ये प्रेस मीट करना इसका मतलब मकसद क्या है आपका पहला वो जाना जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को धरती का जन्नत भी कहा जाता है पैराडाइज ऑन अर्थ तो हमारी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की टूरिज्म डिपार्टमेंट की एक मुहिम है पोस्ट कोविड कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाकी स्टेट्स में जाएँ और वहाँ के लोगों को इन्वाइट करें कि आप अधिक से अधिक संख्या में जम्मू एंड कश्मीर आइए वहाँ की जो कुदरती जो सुंदरता है नेचुरल ब्यूटी उसको एक्सप्लोर कीजिए उसका एंजॉय लीजिए लुत्फ़ लीजिए जैसे कि आज हम यहाँ पे उड़ीसा में आए हैं तो काफ़ी गर्मी है आज आप जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे तो आपको सर्दी का पूरा एहसास होगा तो नेचर के अलावा मैं समझता हूँ कि रिलीजियस टूरिज़म से भी हम अगर ताल्लुक़ रखें तो जैसे हमारे यहाँ पर श्री जगन्नाथ पुरी जी का धाम है जो भी बंदा जम्मू एंड कश्मीर से उड़ीसा आएगा वो श्री जगन्नाथपुरी धाम जी के दर्शन किए बिना नहीं जाएगा वैसे ही हमारे वहाँ पे माता वैष्णो देवी का दरबार है अमरनाथ जी का दरबार है तो हम रिलीजियस टूरिज्म से भी हम एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं कि आप लोग आइए जम्मू एंड कश्मीर माता रानी के आशीर्वाद लीजिए और वहाँ पर इन एडिशन टू दैट एडवेंचर टूरिज़म में भी आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जैसे कि जम्मू के आसपास हमने एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए हैं हमारी डायरेक्टरेट ने हमारी एलजी गवर्नमेंट ने काफ़ी इसमें इंटरेस्ट शो किया है कि पोस्ट कोविड जो हमारा सिनारियो है उसमें देखो अपना देश जो मुहिम गवर्नमेंट ने चलाई है उसके तहत हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम टूरिस्ट अपने यहाँ पर इन्वाइट करें क्योंकि इंटरनेशनल टूरिज़्म क्लोज है और वैसी ही फैसिलिटी हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं आप हमें एक बार सेवा का मौका दीजिए और जम्मू और कश्मीर में जरूर आइए हम आपका वेलकम करने के लिए बैठे हैं ये तो आपने बोल दिया कि मतलब आध्यात्मिक चेतना जिन लोगों में है वो वैष्णो देवी भी जा सकते हैं दर्शन के लिए कर लिए यहाँ के लोग वहाँ के लोग जो जगन्नाथपुरी देखना चाहते हैं यहाँ पर आ सकते हैं इसमें एक मतलब जो रिलेशन है दो राज्यों के बीच में ये बढ़ेगा इस तरह से आपको कैसा लग रहा है डेफिनेटली बढ़ेगा रिलेशन तो बढ़ेगा क्योंकि जो रिलीजियस टूरिज़्म है सबसे पहले जो भी इंसान उसकी सोच होती है कि भगवान के दर्शन लिए जाएं और अपना उनसे आशीर्वाद हो और अपना जो जीवन है वो सफल रहे हमारा तो वैसे ही मैं समझता हूं कि इस कड़ी के तहत इन एडिशन टू रिलीजियस टूरिज़्म हम लोग टूरिज़्म के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनको भी जोड़ सकते हैं और लोगों को हम वहाँ पर अपना इन्वाइट कर जैसे कि आप कुछ देर पहले प्रेस मीट पर बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं इसीलिए वहाँ पर होटल बनाना इतना आसान नहीं है तो जो बोल रहे थे कि होम स्टे का बंदोबस्त किया जाएगा उसके बारे में क्या बोलेंगे किस तरह से एक आदमी अगर कुछ पर्यटक जाएंगे उड़ीसा से हो या अलग राज्य से वहाँ पे उसको रहने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं सब हैं जैसे कि आप जानते हैं कि आज तक जम्मू में एक तो जम्मू शहर था उसके आसपास के इलाके थे जहाँ पर होटल फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल थी जैसे पत्नी टॉप हो गया और दो तीन जो डेस्टिनेशंस हैं जो एस्टेब्लिश्ड
डेस्टिनेशंस थी वहाँ पे हमने होटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है, कटरा हो गया और आसपास के जो स्पॉट्स हैं। बट लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए 75 जो डेस्टिनेशन है उनको प्रमोट करने का फैसला लिया, जिसमें 38 डेस्टिनेशन कश्मीर में है और 37 जम्मू में है। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये जो ऑफ वी डेस्टिनेशन है ये टूरिज़्म के मसले में एस्टेब्लिश्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कम नहीं है। अगर हम वहाँ पे जाना चाहें तो मैं समझता हूँ कि लोगों को आज की डेट में वहाँ पे रहने की कहीं दिक्कत आ सकती है। इसी कड़ी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी एलजी इंतजामिया ने स्टेप्स लिए हैं कि हम वहाँ पे होम स्टे फैसिलिटी का थोड़ा सा इसमें कार्य करें, काम करें। और दूसरा जो टेंटेड अकोमोडेशन है, जैसे कि कहीं रिमोट एरिया में जहाँ पे होम स्टे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, फॉरेस्ट हो गया, वहाँ पे हम टेंटेड अकोमोडेशन का भी प्रोविज़न कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में हम सक्सेसफुल मतलब कैंप लगा के जो लोग रहना चाहते हैं, टेंट सिटीज टाइप जो टेंट जो कैंप होता है वैसे ही हम अकोमोडेशन प्रिपेयर कर रहे हैं और उसको आउटसोर्सिंग बेसिस पे हम उसको जल्दी शुरू करेंगे। धन्यवाद। आम सहित आउ जे वरिष्ठ अधिकारी अच्छा जम्मू कश्मीर टूरीजम सुजुक्त एहसान अच्छा सहित आलोचना करवा। आपको भी अर्गस न्यूज में और ओडिशा में भी फिर से स्वागत करना चाहूँगा। तो सर ये जो इनिशिएटिव आप देख रहे हैं चलो देखें अपना देश, इसके साथ या इसके वजह से टूरिज़्म हर राज्य का, ये बहुत राज्य आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इससे प्रमोट हो सकता है कैसे टूरिज़्म हर राज्य का? बिल्कुल, जैसा कि आप को मालूम होगा कि कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी, पीपल आर नोन फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी फॉर सेंचुरीज टुगेदर। अनफॉर्चुनेटली कोविड के चलते ये सेक्टर को थोड़ा नुकसान पहुंचा, वर्ल्ड वाइड पहुंचा, बट उसके चलते द डिपार्टमेंट ने बहुत कोशिशें की हैं। मैंने अभी आपको विस्तार से बता दिया कि किस तरह एक वैक्सीनेशन का ड्राइव हमने लॉन्च किया और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा इसमें इंस्ट्रक्शंस रही और मॉनिटरिंग रही, और हमने हर एक टूरिज्म स्टेक होल्डर को फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर करके वैक्सीनेशन 100%। और आज के डेट में मैं आपको बताऊं कि 100% 100% जो टूरिज्म से जुड़े लोग हैं वो डबली वैक्सीनेटेड हैं। इसी तरह से हमने उनको पोस्ट कोविड सिनेरियो के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करी इन दो सालों में जब टूरिज्म ऑलमोस्ट बंद था। बट इसके साथ साथ हमने कुछ बड़े इनिशिएटिव्स लिए कि वही 75 नई डेस्टिनेशंस को हमने टूरिस्ट मैप पे लाया, ताकि टूरिस्ट को और ज़्यादा वैरायटी मिले, उसको और ज़्यादा घूमने फिरने का मौका मिले। जो हमारे डेस्टिनेशंस थी दिस इज़ इन एडिशन टू दैट, पहले डेस्टिनेशंस थे। हाँ। उसके अलावा आपने 75 या 75 नए डेस्टिनेशंस ऐड किए हैं आपके टूरिज्म में, तो उस जगहों को पूरी तरह से डेवलप किया गया है। हाँ, जैसे कि पर्यटन जगह मैं बता रहा हूँ वो ऑफ बीट डेस्टिनेशंस थी और उनको हम विजिबिलिटी में ला रहे हैं। वो डेस्टिनेशंस ऑलरेडी थी मगर वो विजिबिलिटी में नहीं थी, ऑफ बीट डेस्टिनेशंस थी, लेसर नोन डेस्टिनेशंस थी, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक वहाँ आ जाएं। और अभी हम बात कर रहे थे होम स्टेज़ की, यस डेफिनेटली ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कुछ एरिया से स्टार्ट किया है होम स्टेज़ का, और अब तो आपको पता है कि 5-स्टार होटल का एक ही तरीका होता है हर जगह आप जहाँ भी जाएं, मगर होम स्टेज़ आपको एक लोकल फील देता है, लोकल कल्चर का, लोकल खान पान का, आपको लगता है कि आप कहीं किसी जगह में हैं, तो वो चीज़ है बिल्कुल। सेकेंडली हमने एक एडवेंचर एक्टिविटीज़ को बहुत प्रमोट किया, चाहे विंटर एडवेंचर एक्टिविटी हो या समर एडवेंचर एक्टिविटीज़, उसमें उसका हमने देखा कि डिमांड है टूरिस्ट में, और उस डिमांड के चलते हम और ज़्यादा ट्रैकिंग रूट्स, हमने लास्ट ईयर भी कुछ और नए ओपन किए ट्रैकिंग रूट्स, हम वाटर रिलेटेड कुछ स्पोर्ट्स को और ऐड कर रहे हैं। गुलमर्ग में हमने स्कीइंग को हमने गुलमर्ग के एडिशन में सोनमर्ग और दूधपथरी में ले लिया है, और इन एडिशन हमने एक नाइट स्कीइंग का एक कॉन्सेप्ट भी दिया है कि रात को चलिए, दिन भर तो घूमा फिरा, रात को क्या करेगा, रात को भी स्कीइंग का एक कॉन्सेप्ट हमने इस विंटर्स में हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो ये सारी चीज़ें हमने की हैं ताकि ये जो 75 न्यू डेस्टिनेशंस हैं इनको भी प्रमोट की, उनको भी विजिबिलिटी में और टूरिस्ट मैप पर लाया जाए। जैसा आपने बोला कि लोगों को एक फील मिलेगा, होमली फील मिलेगा, yes, और yes, जो लोकल एरिया का फील मिलेगा कि होम स्टे में रहने से। और भी आपने जैसे बोला कि एडवेंचरस लोग जो हैं, जो एडवेंचर को पसंद करते हैं, उसका शौक रखते हैं, उनके लिए कुछ देर
पहले आपने आप बोल रहे थे कि कुछ रोपवे बनाने का कोई प्लान है, उसके बारे में? हाँ, रोपवे तो अलग चीज़ है, एडवेंचर ये है कि जो मान लीजिए कोई ट्रैकिंग पे गया, पहाड़ी में गया, दो दिन का ट्रैक है, चार दिन का ट्रैक है, वो तो एक है उसमें ट्रैकिंग। रोपवेज वो चीज़ें हैं कि जहाँ पे मान लीजिए जैसे गुलमर्ग में हमने गंडोला केबल कार किया है कि ऊपर स्टीप एक पहाड़ी है उसके ऊपर आप एक गंडोला राइड कराते हैं, तो जो पैदल नहीं जा सकता है वो गंडोला राइड करके उस एरिया का मज़ा ले सकता है। बहुत सारी जगहों पे प्रपोज्ड हैं, हम प्लान कर रहे हैं ऐसी सारी बहुत सारी जगहों पे ये गंडोला टाइप एक केबल कार का, जो ऑलरेडी हमने जम्मू में एक किया है, तो इसी तरह से J&K के और भी एरियाज़ में जहाँ टूरिज्म पोटेंशियल है तो वहाँ पर कुछ केबल का टाइप एक फैसिलिटी रखने का, ताकि उस एरिया का जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो फुली एक्सप्लॉइट हो, उसका फुटफॉल और बढ़े। एडिशनली मैं आपको बताऊं कि एडवेंचर की हमने बात की, हम हेरिटेज सेक्टर को भी हम अब देख रहे हैं कि हेरिटेज टूरिज्म को भी अब हम प्रमोट कर रहे हैं। अभी कुछ था बट अब हम उसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। हमने रिसेंटली एक कंडक्टेड टूर ऑफ जो सिटी है वो स्टार्ट किया है, जिसमें जो ओल्ड मोनूमेंट्स हैं टूरिस्ट को उन ओल्ड मोनूमेंट्स की सैर कराई जाएगी, या और भी जितने वो हेरिटेज साइट्स हैं उन पे उनको थोड़ा फोकस में ला के टूरिस्ट हर तरह के पर्यटकों को आप आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो इतिहास को पसंद करता है, मोनूमेंट्स को पसंद करता है, पहाड़ों को। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपसे बात करके ये जम्मू कश्मीर के बारे में ज़्यादा जान के बहुत ही अच्छा लगा। हम भी चाहेंगे जम्मू कश्मीर कभी जाके घूम के आएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आलोचना करुले जम्मू कश्मीर टूरिज्म वरिष्ठ अधिकारी मान सहित, से आज ओडिशा आसी ओडिशा रे अर्गस द्वारा आयोजित चलो देखें अपना देश कनक्लेव रे अंशग्रहण करा पूर्व से आज ओडिशावासी को आमंत्रित कर आपण मैने जम्मू कश्मीर आसतु एवं सेठाकार जो सौंदर्य रही सेठाकार जो जेहेतु भूस्वर्ग कहुए भारत भूस्वर्ग कहुए उपभोग करूँ निश्चित भाव आम आशा करवा यहाँ जो पर्यटन क्षेत्र गुड़िक रही विभिन्न राज्यर यही कनक्लेव द्वारा ताहरी अधिक प्रमोट हो पार और अधिक संख्यार पर्यटन शिल्प आहरी विकसित हो पार उभय ओडिशार और जम्मू कश्मीर। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन प्रशांत प्रदीप्त महापात्र अर्गस न्यूज।